हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में क्रीमी लेयर हटाने का निर्णय लिया है, जिससे दलित संगठनों में रोष है। सभी इस निर्णय पर संसद में इस नियम को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जिला के एससी एसटी ओबीसी संगठनों ने प्रदर्शन कर एक मांग पत्र प्रधानमंत्री को प्रेषित किया है, जिसमें इस निर्णय को संसद में निरस्त करने की मांग की गई है। संयुक्त संघ के संदीप तोमर ने बताया कि क्रीमी लेयर को हटाने से उनके हित प्रभावित होंगे, इसलिए जो संविधान में दिया है उसके अनुरूप ही सब होना चाहिए। प्रधानमंत्री को संसद में इस निर्णय को निरस्त करना चाहिए ताकि दलित लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। उपायुक्त के माध्यम से जो है ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को देने जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा ज्ञापन के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि ये जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला और ऐसे वर्गों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है जिसकी लगभग 75 से 80% आबादी भारतवर्ष में निवास करती है और हमेशा से एक मूल निवासी की तरह से जो है शांतिपूर्ण तरीके से भारतवर्ष में रह रही है। ये सिर्फ वो वर्ग है जो हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। समाज में किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार का आरक्षण दिया जाए, कोई भी अधिकार दिया जाए, एससी एसटी और ओबीसी के वर्ग कभी उसका जो है विरोध नहीं करते और ना ही अपने लिए कुछ और अधिक मांगते हैं। जो माननीय बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान एससी एसटी और ओबीसी के वर्गों के लिए किया था, आज तक वही प्रावधान लगातार चलता आ रहा है। इससे ज़्यादा हम लोगों कोई इच्छा नहीं है, ना ही हमने कभी कोई अपेक्षा की है, ना कभी कोई डिमांड रखी है। हम यही चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है इसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास ना होना दिया जाए और जो भारत की जो एससी एसटी ओबीसी का जो वर्ग है, जो हमारी आबादी है, उनको इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले से, इस अत्याचार से बचाया जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।